तो अब गुरुजी के साथ जाएंगे हम, गुरु और चेले एक साथ जाने वाले हैं। मोम का गोल्ड आ गया तो पार्टी। और गुरुजी कहाँ खो रहे थे? मैंने पुड़िया बनाई थी, वो लगा के आनी है आज। मेडल लेके आना है। मेडल नहीं आ रहा, मेडल तो आने तो पहले ही लग गए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। और मोम का कंपटीशन है और मोम सोने लग रहे हैं, तो देख क्या रहे हो, सो ही रहे हो। और मैं अपनी फर्स्ट मील ले रहा हूँ और कॉम्पिटिटर भाई अपनी नींद में कैमरे के चक्कर में उठे हैं। अभी चलना नहीं है क्या? और ये बोल एक बजे है तो मैं सुबह जिम चला जाता। बोले मॉम बिल्कुल ही सोते ही रही। अरे फेमस हुआ भैया आप। किनोवा चल रहा है हमारा, किनोवा और एग वाइट। मॉम लास्ट वीडियो के कमेंट पढ़ रही है, पढ़ो पढ़ो कौन से वाला बताओ। मॉम की चाय चल रही है सुबह उठते चाय। अरे मेरे लिए भी आया हुआ, इतने सारे आ गए आपको गुड लक। आप हिल भी नहीं रहे और चाय चल रही है सुबह। आपको अंडे वंडे खाने चाहिए, दलिया वलिया लपेटना चाहिए, एनर्जी ऐसी होनी चाहिए आपके अंदर। भाई मॉम तो कह रही है मेरी दोस्त आ रही है, इन्हें तो जरूरत है नहीं मेरी, कह रहे वही करा देंगे। तो फिर मैं क्या करूँ, जाऊँगी जब मैं अपने छोटी मोटी बना लाऊँ, वो डालती हूँ, बच्चे उसी में खुश हो जाएंगे। वो छोटी मोटी पता है क्लास टाइम ऐसे मैंने वीडियो बनाने के लिए दी, इनने पता नहीं क्या वहाँ से पीछे भैड़ 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 आवाज़ आ रही है इनकी, इतनी धीरे वैसे इतनी आवाज़ निकलती है और खुद फोन पकड़ के निकल ही नहीं रही आवाज़। क्यों सही तो निकले थी, धीरे धीरे बोला तो सब कुछ सुनाई दिया था। पूछ ले चैनल खोल देते हैं आपका फिर यार, तो मेरे को वीडियो भी नहीं देता। चलो मॉम जल्दी रेडी हो जाओ जाके। मॉम कह रही है मेरा ब्रॉन्ज मुश्किल आज, गोल्ड आएगा। पहली यार मान लिया यार आपने तो अभी जल्दी से रेडी वेडी होके डाइट भी पैक करनी है क्योंकि मील मिस नहीं होनी चाहिए। और जिम जाएंगे हम शाम को। किटोरनी में मॉम को कॉम्पिटिशन, दिल्ली स्टेट। अच्छे से खा लो जल्दी से, मेडल लाना है भाई। फर्स्ट मील लेने के बाद मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के लिए लेता हूँ मल्टीविटामिन, जो कि मैं यूज कर रहा हूँ हेल्थ कार्ड का HK वाइटल मल्टीविटामिन, जो कि 10 सालों से एक्सपर्ट है ऑथेंटिसिटी एंड टॉप क्वालिटी सप्लीमेंट के लिए। इसमें 33 विटामिन एंड मिनरल्स इंक्लूडिंग विटामिन C, B कॉम्प्लेक्स एंड जिंक भी है। HK वाइटल मल्टीविटामिन से आपकी जो डेली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की नीड्स होती है वो आप एक सर्विंग से कंप्लीट कर सकते हो, जो की आपकी मदद करता है इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने में, आपको एनर्जेटिक फील कराने में। इसके अंदर स्मॉल डोज ऑफ अमीनो एसिड भी है, तो बेसिकली आपकी मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। विटामिन C आपकी रिकवरी में हेल्प करेगा और सोरनेस रिड्यूस करेगा। HK वाइटल मल्टीविटामिन में साइंटिफिकली एफिकेशियस डोजेस है, जिस वजह से विटामिन एक दूसरे से कम्पीट नहीं करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। क्यों HK वाइटल ही यूज करना चाहिए? क्योंकि ये 100% गारंटी देते हैं ऑथेंटिसिटी की, क्योंकि इनके प्रोडक्ट आपके पास सीधा इनकी वेबसाइट से आते हैं, डायरेक्ट वेबसाइट से आते हैं, कोई मिडिल मैन नहीं है। ये आप अपनी डेली डाइट में ऐड कर सकते हो, आपके लिए हेल्थ एंड फिटनेस के लिए अच्छा है प्रोडक्ट है। मैं चलता हूँ, सुबह सीधा जिम आ गया हूँ और मॉम अपनी दोस्त के साथ निकल गई है कॉम्पिटिशन के लिए, क्योंकि इनकी दोस्त को वेट देना था अभी जल्दी जाके, और मॉम ने कल ही दे दिया था वेट। और 4 घंटे बाद कॉम्पिटिशन था, मतलब 1-2 बजे कॉम्पिटिशन है, तो जिम आ गए हम, अपना वर्कआउट करके फिर जाएंगे हम। अपने एयरपोर्ट भी भूल गया, एयरफोन लेनी पड़ रही है दोस्तों से, प्रोटीन भी भूल गया, सब भूल गया मैं आज। तब ये लगाते हैं, ये बार बार खींच रही है, ये चल जाएगा काम। बेल्ट भी नहीं है, बेल्ट भी मोम ले गई। गुरुजी होगी मेरी, चले आपकी भी। हाँ मैं घर जाके डाइट पैक करता हूँ, फिर आपको वहीं मिलता हूँ। सो ट्रेनिंग हो गई है, अभी घर के लिए निकल रहे हैं। तो मॉम तो लेके गई नहीं, तो अब गुरुजी के साथ जाएंगे हम। गुरुजी उस कॉम्पिटिशन के चीफ गेस्ट हैं और हम साथ साथ चले जाएंगे। अब जल्दी से घर जाके डाइट पैक करनी है, डाइट पैक करके हम निकलते हैं। अब निकल रहे हैं हम, और बुल्क को भी ठिकाने लगाना है, मतलब दोस्त के पास छोड़ के आना है, और बहुत सारे काम है यार आज तो। और अच्छी बात है मैं सुबह अभी जिम आ गया, नहीं तो मोम का 3 बजे नंबर आया कॉम्पिटिशन में, जो उनकी कैटेगरी है। गुरु और चेले एक साथ जाने वाले हैं आज। गुरु जी तो गेस्ट है, चीफ गेस्ट, और मैं तो ऐसे पीछे पीछे, हम भी गेस्ट बन जाएंगे। अरे हमें कोई क्यों नहीं बुलाता एज ए चीफ गेस्ट, टाइम लगेगा अभी। तो कमेंट सेक्शन में भी गेस करो कि आपको क्या लगता है मोम का क्या आएगा, गोल्ड, सिल्वर, ब्राउन्ज, क्या आएगा? क्योंकि मेडल तो जरूर आएगा अभी मोम को, वो ट्रस्ट है मोम पे, मतलब मोम पे बिलीव है, कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे मोम। वो मोम का गोल्ड आ गया तो पार्टी, सिल्वर आ गया फिर भी पार्टी, ब्रॉन्ज में भी पार्टी। देखते हैं क्या आता है, आई होप फॉर द बेस्ट। वहाँ पे जल्दी से जाते हैं, मोम को पुश करेंगे कॉम्पिटिशन के लिए। मोम थोड़ी नर्वस हो जाती है कॉम्पिटिशन से पहले। सो गाइज, गुरु जी पहुँच गए मेन रोड पर, और जल्दी से मैं पहुँचता हूँ। सारी चीज़ें करने में टाइम लग गया, फाइनली हो गई। मेरे को तो लग रहा था टाइम पे होगा ही नहीं कुछ भी, तो मैंने सोचा बिल्कुल वेट नहीं कराऊंगा, गुरु जी पहले रेडी होके बैठ जाऊंगा, बट गुरु जी साइड पैदल जाना पड़ेगा। लेट तो नहीं हो गए? हाँ तो गए, मैं तो डाइट खा रहा था, मैं भी डाइट। स्टार्ट हो गया क्या आपका? अच्छा, आपका लास्ट कैटेगरी होगा। आ रहे गुरु जी भी है, अब निकल ही गए हम। हाँ, और गुरु जी कहाँ खो रहे थे? सीधा जाके राइट बता रहे। चलो गुरु जी, पहुँच गए हम। क्या दिखा रहा है? दो तारीख को आना है तुम्हें। 2 तारीख को मेरे बर्थडे पे। बर्थडे लास्ट टाइम हुआ था। हाँ, आगे 1 साल हो गया, पता ही नहीं चला। 1 साल हो गया आपके क्या कॉम्पिटिशन होगा अभी? कितनी देर में? दूसरी कैटेगरी में, अभी तो हमारी कैटेगरी स्टार्ट की। पता लगा मैं लेट हो गया, 89 की सबको बताएगी। चोट लगने के बाद भी खेला, कोई तो चोट है क्या? ये पूछ लो स्कूटी ठीक है या नहीं? स्कूटी ठीक है, आज स्कूटी ठीक है, रोड में तो गड्ढे हो गए। पुड़िया बनाई थी, इसमें BCAA के साथ क्रिएटिन मिक्स है, और ये नहीं पी सकती मैं। एक तो क्रिएटिन मिक्स दे रहा हूँ आपको, अभी सीधा गोल्ड आएगा ये पीते ही। प्री वर्कआउट पी लिया भाई? कहाँ बुला दिया, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, इतनी गर्मी। अगर मेरे को दोबारा कोरोना हो गया ना, कब है कैटेगरी भाई? मेरी कैटेगरी में भी दिया है, धीरे-धीरे करेंगे, चलने दे आराम से। अब अपना बेस्ट करना, कैटेगरी मेडल लेके आना है। तो लगा के आनी है आज LBS। ब्रॉन्ज में गोल्ड में बात है क्या? लास्ट ईयर गोल्ड मारा था मैंने। अरे लास्ट ईयर छोड़, तुमने एक बार में ट्रेनिंग कराई थी बेंच की घर में। एक भी ट्रेनिंग घर में। अंदर तो ऐसी तैसी हो रखी है, इतने पसीने आ रहे, इतने लोग घुस गए तो इतनी सी जगह में। वार्म अप तो करा दिया हमने, अब सीधा अब डाइट लेना है। ये देखिए मैं कैसे लाया हूँ चावल। मिला ही नहीं टिफिन, और डाइट लानी जरूरी थी। सच्ची ने एस्पैरेगस खाया तो ना, एस्पैरेगस अंग्रेज लोग खाते हैं। खाओ भाई आप। ओके। हमारा यही चल रहा है, एस्पैरेगस। ऐसी बॉडी बनाएंगे ऐसी। ये देखो भाई सब क्या खा रहे, देखो हराम ज़्यादा। टिफिन नहीं मिला तो ये सब खाएगा तू? मेरे को भी नहीं मिला था, देख कैसे लाया हूँ मैं। गोज मसाला बहाने बना रहे हैं लोग आजकल, बॉडी नहीं बना रहे। आज मेरा हाई कार्ब्स है, और मैं यहाँ बैठा हूँ, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा एस्पैरेगस, और एक डालेंगे चिकन का पीस, और एक डालेंगे आलू का पीस। ये हो गई हमारी डाइट रेडी। और डाइट के लिए मेरे को फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम। ऐसा अभी मन्नू ने अंदर की बात बताई कि स्टेट क्लियर होने के बाद नेशनल हो रहा है गोवा में। जब भी लोग इतने पागल हो गए आ रखे हैं, इतने सारे लोग आ रखे हैं। वैसे कितने आते हैं नॉर्मली बेंच पे? से ज्यादा 150-200, और आज तो सिर्फ गर्ल्स वाले दिन 150-200 से ऊपर आ रहे हैं। कल तो बहुत आएंगे, मतलब कि ये है कि घर के लिए बहाना बन जाएगा और गोवा की ट्रिप भी हो जाएगी। मतलब कि लड़कियों के बॉयफ्रेंड होंगे कि मेडल आना चाहिए स्टेट में स्टेट में मेडल आना चाहिए, नहीं तो भाई बात करनी बंद। मतलब मेहनत कर और रात में 10 बजे बाय, सो जा, रिकवरी मसल रिकवरी इम्पोर्टेंट। थोड़ा बहुत हवा आ रही है, बहुत गर्मी है नजर आ रही है, सबके पसीने आ रहे हैं। चलने के बावजूद हवा के बावजूद फिर भी आनंद ले रहे हैं गेम का। स्टार्ट वेरी गुड, बहुत प्रयास सफल रहे। भास्कर भी है, गुरु जी है, अभी तो पावर लिफ्टिंग तो भास्कर जी है। पावर लिफ्टिंग लिफ्ट मारते हैं, उसमें ध्यान दो। अभी लिफ्ट 55 का राउंड है। हां पावर आई है, पावर है ना। हां नहीं मेरे को ज्यादा उल्ट था। मैंने उनसे ही पूछा था, मेरा 2.5-5 तो बोले 5 किलो बढ़ा था। ज्यादा उल्ट था। स्पीड बहुत इजी थी यार। अभी 50 की भी सही थी और ये भी सही था। 5 किलो मैं तो 50 देके गया था 60 किलो। मैंने पहले ज्यादा उल्ट करा रहा है, इतनी जरूरत नहीं है। टच होने का प्रेस का कमांड आ जाना चाहिए। 2 मिनट नहीं लगा रहा, 3 सेकंड। मैं घर जा रही हूँ क्यों 55 किलो को दिक्कत है कि वीडियो डलेगी, मेडल लाना है। मेरा वो मेडल नहीं आ रहा, अब वो घर जाओ और मैं भी जा रही हूँ। फैन भी नहीं चल रहा मेरे को भगा रही हूँ। क्या था क्या हुआ? मैंने 52.5 लिखवाई थी और मैं कर देती, लेकिन ना बीच में बिचौली करे आ गए। बचपन की तैयारी ना हुई ना, जिम में ना लगाई थी, आगे से लगा दूंगी। ठीक है वही और सही से। लोगों के गोल्ड आ रहे हैं भाई, मेरा क्या आएगा पता नहीं। गोल्ड लेंगे भाई, गोल्ड सब मेडल ला रहे हैं। इमोशनल मत करो सब मेडल ला रहे हो अपने फैंस को इमोशनल मत करो, गोल्ड आएगा। ओह माय गॉड, मेडल तो आने तो पहले ही लग गए। अरे आने की खुशी में आने वाला है, मेडल आएगा मेडल आएगा। मेडल तो मेडल है। अरे भाई अब मत दिखा और रोटी खाने दे। गोल्ड मेडल था लास्ट टाइम, तने भी प्रैक्टिस कराई। गोल्ड मेडल था लास्ट टाइम भाई, और कौन करवाएगा? लॉकडाउन में तो ही करवाएगा। अभी चीट बिल है मेरी, अभी चीट मंगाओ। क्या मंगाऊंगा इस बताओ, नेक्स्ट टाइम के लिए बता दो क्या मंगाऊं। मोम का पता मेरे वाला ही हाल है कि डेड और स्क्वाट हैवी और बेंच बिल्कुल डाउन। अच्छा सीनियर वाली मास्टर में आ गई, पहले ठीक थी 70 की बेंच थी। तो मास्टर खाली नहीं हुआ आपका? खाली मास्टर वाला नहीं हुआ? अब 40 में आ गई ना, वो भी तो बुढ़िया हो गई। अच्छा हो गया, वो 40 फेस फैक्टर भी तो हो गया। अच्छा अब सीनियर वाले मास्टर में आ गए हैं। आप कंपटीशन टफ रहेगा भाई, बाल को आगे कोई गारंटी नहीं है। मेडल लाऊंगी नहीं लाऊंगी, अपना बिजनेस देखेंगे, अपना काम धंधा। ठीक है भाई, ठीक है मैं लाऊंगा, मैं ध्यान रखूंगा मेडल का। अब ना हो गया ब्रॉन्ज आया, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम नेशनल खेलोगे ना। मैं फुल पावर लिफ्टिंग खेलूंगी जैसे मेरे डैड और स्क्वाट अच्छी है। हां फुल पावर लिफ्टिंग में ठीक रहता है, जिसमें मॉम का डैड और स्क्वाट से थोड़ा सा प्लस हाई हो जाता है। प्लस बेंच सबसे कम है तो 52.60 की तो है, आज नहीं लगी कोई बात नहीं, अगली बार कर लेंगे।